नमस्कार, आपका स्वागत है संगीता किचन ब्लॉग में। आज मैं बनाने वाली हूँ हरे चने से नाश्ता। तो इसे हमारे तरफ कई लोग भबरा बोलते हैं और यहाँ पर इधर इस तरफ चिला बोलते हैं। इसे आप टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं या फिर ग्रीन चिल्ली सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसे ये ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्वाद लगेगा। ये बहुत कम समय मिलता है, सिर्फ एक महीने ही मिलता है, होली तक मिलता है मुश्किल से। तो आप जल्दी से इसे बना लें और आप जरूर से बनाएं। होली में हमारे तरफ जरूर से ही बनता है ये भबरा। और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं देखने कैसे बनाना है और क्या क्या लेना है। आज का नाश्ता बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर चावल का आटा 1 कप। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को फुला करके उसे पीस सकते हैं। और वैसे चावल का आटा हर जगह मिल जाता है आसानी से। 1/2 कप और ले लिया है, कुल मिलाकर 1.5 कप मैंने चावल का आटा लिया है। बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, इसी में मैंने एक मिर्ची भी चॉप कर दिया है, तो ये ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 कप भर के लिया है हरी चना। ये सर्दी इस समय होली के टाइम तक ही मिलेंगे, बहुत कम टाइम मिलते हैं ये, मुश्किल से एक महीना ये मिल पाता है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। डायबिटीज़ वालों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। यदि ये रेगुलर यूज करते हैं तो उनका शुगर लेवल नॉर्मल होने लग जाएगा। और वैसे भी एक मुट्ठी आप सवेरे रोज खा लें तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। काफ़ी सारे इसमें प्रोटीन विटामिन होते हैं। 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाल देंगे भुना जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, स्वादानुसार नमक, 1 छोटी चम्मच अजवाइन है, इसे क्रश करके डाल देंगे, डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। यदि आप प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो इसमें से स्किप भी कर सकते हैं, तब भी बहुत ही अच्छा बनेगा। और डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, इनको कर देंगे अच्छे से मिक्स। एक कप मैंने पूरा पानी डाल दिया है, अभी इसमें पानी और भी ज्यादा लगेगा, चावल में बहुत ज्यादा पानी सोखते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने 2 कप पूरे पानी डाल दिया है, मिक्स कर लिया है। अभी भी मुझे ये ज़्यादा थिक लग रहा है तो मैं इसमें अभी और भी पानी डाल दूंगी और इसे मिक्स कर लेंगे। 3/3 कप में इतना पानी बचा हुआ है, मैं इसे भी डाल दूंगी। 1/2 छोटी चम्मच इसमें मैं डाल दूंगी काला नमक, इससे बहुत ही झटपटा टेस्ट आता है। 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक करके छोड़ दूंगी ताकि आटा अच्छे से फूल जाए। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, मेरा जो घोल है इस तरह का है, बिल्कुल पतला सा है। आप गाढ़ा बनाएंगे तो मोटा मोटा सा बनेगा और पतला बनाएंगे, ये पतला जो होगा घोल तो आपका पतली पतली सी बनेगा नाश्ता। मैंने यहाँ पर एक गैस ऑन करके एक पैन ले लिया है और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। मैं ये सरसों का तेल डाल रही हूँ। हमारा तेल गर्म हो गया है, अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे पैन में फैला दिया है। अब इसमें घोल डाल देंगे, अपने आप ही फैल जाते हैं, इसे फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आप चाहें तो थोड़ा सा शेप ठीक कर सकते हैं इसका, इधर उधर हो जाता है तो। अब एक तरफ से थोड़ा सीख जाए उसके बाद मैं इसे पलटूंगी। देखिए जब थोड़ा सा पक जाए तो साइडों से इस तरह से कर सकते हैं ताकि पलटने में अच्छा रहेगा। अब इसे पलट देंगे, एक तरफ से सीख जाए। देखिए ये देखिए इस तरह से हमारे एक तरफ से सीख गए हैं, दूसरे तरफ भी सीख लेंगे। ये देखिए हमारे पराठे दोनों तरफ से सीख गए हैं, ये चिला, तो मैं इसे निकाल लूंगी। देखिए इस तरह से, देखिए आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा बहुत क्रिस्पी बना है ये। ये देखिए आप आवाज सुन पा रहे होंगे,
तो बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से दूसरा भी मैं डाल दूंगी इसमें। और इसे एक तरफ से सिकने देंगे। इस तरह से मैं लगा दूंगी आलू साइड में है थोड़े बहुत, और इसे पलट लेंगे। पलटने के लिए जैसे मैंने पहले पलटा था कि साइडों से इस तरह से आप कर लें, इसके बाद पलटना इजी हो जाता है। देखिए इस तरह से देखिए दूसरी तरफ से भी मैंने सेक लिया है। आपको दूसरी तरफ से दिखा देती हूँ। देखिए इस तरफ से भी अच्छे से सीख चुके हैं। अब ये दूसरे वाले भी चीले बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, तो मैं इनको इस तरह से निकाल लिया है। अब देखिए हमारा फ्लेम भी हमारा बिल्कुल मीडियम हाई पे रखा हुआ है। जब हम चिला को उतार लेते हैं पैन से, तो उस समय फ्लेम को बिल्कुल सिम पे कर देते हैं, नहीं तो फ्राई पैन जो है जल जाएंगे। इसी तरह से सारे चिले तैयार कर लेंगे। ये देखिए दूसरा वाला भी सिक गया है, तो इसे भी उतार लेंगे। ये तीसरा वाला है, ये देखिए कितने अच्छे कलर आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। ये देखिए इतने सारे चिले बना करके मैंने तैयार कर लिया है। देखिए इस तरह से बैक साइड में किस तरह से दिखता है। देखिए इस तरह से चना, और मेरे हस्बैंड का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये देखिए। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि कैसा बना है, उनको देती हूँ खाने को। आप इसे सॉस के साथ खा सकते हैं, या फिर हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, या ऐसे भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। अब एक इसमें इतना चटपटा है कि किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये देखिए मैं अपने हस्बैंड को दी हूँ खाने के, इनका फेवरेट है, और साथ में सॉस दी हूँ। यदि आपको चिल्ली सॉस पसंद है तो चिल्ली सॉस के साथ भी खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ग्रीन चिल्ली सॉस आप खा के बताइए कैसा लग रहा है। इनका बहुत फेवरेट है, हर एक साल जब सीजन आता है तो ये बनवाते हैं, और सीजन ये बहुत कम दिनों तक रहता है हरा चना का। वैसे तो मैंने बहुत खाए भवरा, लेकिन ये चीला है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा। इसको कई जगह पे भवरा भी बोलते हैं, तो ये भवरा बोल रहे हैं, और चीला तो है ही, लेकिन कई जगह पे भवरा भी बोली जाती है इसे। बहुत अच्छा, लाजवाब, इतने कुरकुरे और इतना स्वादिष्ट मैंने पहली बार खाई है इस तरह का चीला। वाह वाह मजा आ गया, वाह मजा आ गया। आप भी होली के त्योहार में बनाएं इस तरह से चीला और खाएं, आनंद लें। तो ये देखिए हमारे काफ़ी सारे चीले बनकर के तैयार हो गए हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।